ओके 1 2 एंड 3 और भाई और शिट यार। सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइज, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और गाइज आज का शॉर्ट आउट पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये है ऑल कार्स इन पर्पल। तो भाई इस वीडियो में मैंने सारी कार्स को पर्पल कर दिया है। और गाइज सेकंड शॉर्ट आउट है ये है भाई ये वाला, भाई प्लीज़ सारी कार्स पर्पल या ब्राउन कर दो और प्लीज़ हैवी लोड मेगा रैम करो। तो भाई शाउट आउट टू यू। और भाई मैंने पर्पल कर लिए और आज टेस्ट दूसरा। और ये भाई बहुत अच्छा कमेंट है, क्या ओपी वीडियो बनाते फ्रॉम हार्ट ब्रो। भाई मेरी तरफ से भी फ्रॉम हार्ट शाउट आउट टू यू, बिग शाउट आउट ब्रो। ओके तो गाइज यही थे आज के शाउट आउट और मैं आज का सेटअप आपको बताता हूँ। तो ये देख सकते हो गाइज, ये है हमारी सारी कार्स मैंने पर्पल में कर दी है, जैसे कि अपने सब्सक्राइबर्स ने बोला था। ओके तो हमारी कार्स को बेसिकली यहाँ से इन स्टेयर्स से होते हुए ऊपर जाना है, ठीक है। और ऊपर जाके यहाँ से टर्न करके फिर यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है। और भाई मैं आपको बता दूँ कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइड है, मतलब यहाँ इस बिल्डिंग का काम चल रहा है भाई। ये देख सकते हो यहाँ अंदर से जाना है भाई, अंदर से जगह है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो पूरा रैंप टाइप बना रखा है इन्होंने सामान वामान चढ़ाने के लिए या ये सब। तो आज हम यूज़ करेंगे आज के लिए मैंने ये बिल्डिंग ले ली है रेंट पे या कुछ भी। और बीच में देखो ये ब्लेंडर लगा हुआ है, थोड़ी तो मुश्किल आनी चाहिए ना कार्स को। और फिर गाइस जो कार यहाँ तक पहुँचेगी इनमें से पूरा राउंड करते करते यहाँ तक और यहाँ तक आएगी, और जो कार यहाँ पहुँच जाएगी वो हो जाएगी पास, ठीक है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके गाइस तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ओ भाई साहब, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है, आपको वीडियो लाइक करनी है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है भाई, 2K के क्लोजे करवा दो। ओके तो ये है भाई हमारी i20 और गाइस Hyundai की i20 और इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है और भाई चढ़ गई है, ठीक है। और यहाँ से चढ़ाना है इसको। ओके तो गाइस देख सकते हो यहाँ 4x2 होने की वजह से गाइस चढ़ नहीं पा रही हमारी कार। देखो भाई कितना स्ट्रगल कर रही है, बट यार ये कार ऊपर नहीं चढ़ पा रही है, मुझे पता नहीं भाई क्यों नहीं चढ़ पा रही है। बट यार क्यों क्या भाई यार, इसमें 4x2 है, इसका इंजन इतना पावरफुल नहीं है भाई कि ऊपर तक चढ़ सके। मैं पीछे से एक बार और ट्राई करता हूँ भाई, क्या पता ये चढ़ जाए। ओके तो यहाँ तक आ चुका और भाई और नीचे गिर गई भाई, यार नहीं चढ़ पाएगी। तो गाइज ये हो चुकी है फेल, फर्स्ट कार हमारी हो चुकी है भाई फेल। और गाइज चलो चलते हैं और लाते हैं दूसरी कार को, क्योंकि ये तो गाइज फेल हो चुकी है, आपके सामने पलट चुकी है कार। मैं इसको सीधी भी करूँगा ना गाइज तो वापस वही ये नहीं चढ़ पाएगी ऊपर। तो चलते हैं और लाते हैं दूसरी कार को, तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके तो ये है हमारी Hyundai की ओरा और गाइज ये बहुत पावरफुल कार है और देखते गाइज ये कहाँ तक पहुँच पाती है। मेरे ख्याल से ये चढ़ जानी चाहिए। ओके तो आगे से इसका हुड जो है वो लग गया है। ओके तो चढ़ गई है, ठीक है। ओ भाई 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 आराम से, अरे यार मेरे को थोड़ा सा आराम से लेकर के चलना पड़ेगा। ये देखो भाई आगे से टच हो रही है हमारी कार, ये देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नीचे से उतार कर लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि भाई यहाँ तो ये टच हो रही है। और भाई निकल जा निकल, ओके तो निकल गई भाई, निकल जा यार, यहाँ से चढ़ाना ना एक अपने आप में बहुत स्ट्रगल। ओके तो गाइज देख सकते हो हमारी ओरा चढ़ चुकी है ऊपर और अब देखते हैं गाइज, ये देखो यहाँ से ऐसे इस तरीके से जाना है। अब इस कार अगर ये पहुँच जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा और इस कार से आप समझ जाना कि आज का सेटअप कैसा है। ओके तो ये देख सकते हो ये फालतू चिल्ला रहे भाई। और भाई एक बार बताऊँ ना, ये देखो गाइज यहाँ पे मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रही थी कार्स मुझसे, तो आप आगे देखना भाई। ओके तो ये देख सकते हो यहाँ से अब हमें ऊपर चढ़ना है और भाई ऊपर चढ़ के फिर उधर चढ़ जाना है, यहाँ से लेना है हमारे को राइट टर्न भाई, बड़े आराम से लेकर के चलना पड़ेगा। अगर नीचे गिर गई तो गाइज हमारी कार हो जाएगी फेल भाई, मैं बहुत आराम से लेकर के चलूंगा। बट यार ये देख सकते हो यहाँ लगा हुआ है ब्लेंडर, यहाँ से हमें निकलना है। ओके फटाफट, और भाई थोड़ा सा रह गया था भाई, पर कोई ना गाइज हमारी कार ने कर दिया है, वाओ यार। और अब यहाँ से लास्ट अपनी स्टेप है भाई, ये जिग जैक करते हुए कोई जगह है यहाँ पे ये वाली, तो इसको आराम से नीचे उतारना है भाई। मैं कोशिश यही करूँगा कि टच ना हो ये कार, बट यार ये देखो भाई ये टेक्निक लगानी पड़ रही है मुझे, क्योंकि गाइस ये ऐसे तो घूम नहीं सकती भाई, बहुत टाइम लगाएगी ऐसे घूमने में। तो मैं सोच रहा हूँ और भाई 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 आराम से माइकल। ओके तो गाइस ये देख सकते हो लास्ट एंड फाइनल वाला जिग जैक रैम बच रहा है और यहाँ से एक बार निकल गई तो भाई निकल गई। ओके तो ये देख सकते हो गाइस ऐसा सा आज का सेटअप है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा भाई, मुझे तो बहुत एक्साइटिंग लगा। ओके तो ये फर्स्ट टाइम है भाई इस जगह आया हूँ मैं। ओके तो ये कार हो चुकी है पास, चलो इसको हम पास के यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, लाते हैं दूसरी कार को, ये हो चुकी है पास।
ऑलराइट गाइस, तो अब बारी है हमारी मारुति सुजुकी स्विफ्ट की, और गाइस देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। ऑल्दो तो गाइस बढ़िया ही रहता है इसका परफॉर्मेंस, बट यार इस वीडियो में देखते हैं कैसा। ओके, तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है कार का, बट यार वही बात है 4x4 नहीं होने के कारण यार बीच में से ये अटक जाती है। मतलब ये इसका जो नीचे का वो है ना, ग्राउंड क्लियरेंस भी कार का कम है, तो ये नीचे का जो इसका वो है तो प्लेटफॉर्म वो थोड़ा टच हो जाता है सीढ़ियों के, और कहीं भी भाई तो रुक जाती है। ओके, तो भाई हमारी कार ने स्ट्रगल करते हुए भाई निकाल दिया ये तो स्टेयर्स वाला सिस्टम तो, और भाई अब आगे लेकर के चल। ओ भाई 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 आराम से। ओके, तो भाई अब लेकर के चलते हैं इसको ऊपर और देखते हैं भाई। ये देखो यहाँ से भी भाई हमें बहुत बचा के लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर गाइस यार हमारी कार थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाती है और गिर जाती है ना भाई, तो भाई वो हो जाएगी बिल्कुल फेल। और गाइस एक अभी इधर से लेकर के चलता हूँ, क्या पता भाई इधर से जगह अच्छी हो निकल जाए। ओके, तो गाइस निकल चुके अपन। अब भाई ये आ गई है अपनी सेकंड स्टेज, अब हमें ऊपर चढ़ना है। वैसे तो गाइस इतना स्ट्रगल नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसके साइड में है ना भाई सपोर्ट लगा हुआ है, और भाई साहब अब कोई सपोर्ट नहीं, और भाई ब्लेंडर भी आया हुआ है। अब देखते हैं गाइस ये कार निकल पाती है निकल पाती, और मैं भाई थोड़ा रेस देखोगे चल चल। अरे यार भाई साहब, भाई देख सकते हो हमारी जो कार है ना भाई स्विफ्ट के पड़ गया है ब्लेंडर का झटका भाई। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट रखा था गाइस कार के अंदर, क्योंकि गाइस यार ऐसे ऐसे तो सीधा सीधा शायद पार कर जाती कार्स, बट यार ब्लेंडर होने की वजह से देखो फेल हो गई ना। चलो गाइस ये हो चुकी है फेल, और पीछे से देखो इसकी हालत मैं थोड़ा क्लोजअप से बता देता हूँ। ये देखो गाइस पीछे से बिल्कुल चिपक गई है कार हमारी, और इसकी लाइटें वाइटें सब टूट गई। ओके, तो चलते हैं और लाते हैं दूसरी कार को। ऑलराइट गाइस, तो अब बारी है हमारी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। पहली कार है भाई हमारी ये टाटा की नेक्सॉन, और गाइस देखते हैं ये क्या कमाल करके बताती है भाई। आज इसके जो अलॉय है ना भाई वो चेंज है, अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे बताना कमेंट में। और गाइस चढ़ चुकी है हमारी कार, ये देख सकते हो भाई पावर तो है हमारी कार में भाई, एक बार में क्लियर कर लिया हमारी कार ने स्टेयर्स वाली चैलेंज को। ओके, तो अब भाई आगे से लेकर के चलते हैं और देखते हैं भाई इसका कमाल ये कैसा कमाल करके बताती है। एक मिनट गाइस, मैं इसको थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस यार आपको फिर पता नहीं लगेगा ना। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं और लेकर के चलता हूँ हमारी कार को, और देखते हैं गाइस ये कैसा परफॉर्म करके बताती है। ये देख सकते हो गाइस इधर से देखते हुए चलेंगे, क्योंकि गाइस यार पर्पल कलर है ना भाई ये, भाई जो सनशाइन पड़ती है मतलब सन वो पड़ती है ना रोशनी टाइप, उससे ही चमकता है। तो गाइस देख सकते हो हमारी कार ने भाई सीमेंट का जो एक बड़ा सा वो था ना उस पर चढ़ गई थी, बट यार कैसे जैसे हमारी कार में पावर तो बहुत है वो भाई फर्स्ट स्टेप में पता लग गया था। मुझे लगता है गाइस ये कार कर जाएगी, और मैं इसको आराम से लेकर के चलूँगा भाई, क्यों मुझे रिस्क नहीं लेनी इस कार से, क्योंकि गाइस इसका परफॉर्मेंस अच्छा था फर्स्ट टाइम में, मुझे लगता है ये कर सकती है गाइस कार। और भाई ये देख सकते हो यहाँ पहुँच गई है। अब भाई ट्विस्ट है भाई इसका ये कि ये ब्लेंडर को क्लियर करना और निकल जा। ओके, तो गाइस देख सकते हो गाड़ी हमारी निकल चुकी है, और अब है भाई ये जिग जैग रैंप, और भाई इसको क्लियर करना है हमारी कार को। भाई यार ये टच हो जाती है यार कार से यहाँ पे, ओ ये देख, ओ भाई भाई माइकल माइकल आराम से भाई। ये देख सकते हो यार ये मतलब यहाँ पे स्पीड ऑटोमेटिकली भाई पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा था भाई, ये देख सकते हो टच हो रही है मुझसे कार्स, पता नहीं आज क्या हो गया भाई मुझसे कार्स चल नहीं रही थी ढंग से, बट यार कोई बात नहीं उसको इग्नोर करना भाई, मेन तो हमारी चैलेंज को क्लियर करना, वो मैंने कर दिया है। ओके, तो ये आ चुकी है हमारी कार नीचे, अब यहाँ से टर्न करते हैं भाई, मैं नहीं टच करूँगा। और भाई साहब निकल गई हमारी कार यहाँ से, और पहुँच गई हमारी फिनिश लाइन पर। ओके, तो गाइज ये भी कार हो चुकी है हमारी पास, ये है हमारी टाटा की नेक्सॉन, इसको यहाँ खड़ी कर देंगे, लाते हैं दूसरी कार को, क्योंकि ये हो चुकी है पास। ऑलराइट गाइज, तो अब बारी आ चुकी है हमारी किया की सेल्टोस की, और गाइज ये भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है। अरे यार माइकल किधर भाई, मुझे तो दिखी नहीं रही कार। ओके, तो गाइज लेकर के चलते हैं इसको, ये देख सकते हो ये है हमारी किया की सेल्टोस, और भाई ये देखो भाई टच हो गई हमारी कार भाई, मुझे तो मतलब यार भाई ये सोचा नहीं था भाई मैंने कि ये टच हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि गाइज ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, और मैं थोड़ा सा इसको फोर्सफुली भी लेकर के चलता हूँ। एक मिनट, अरे 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 आराम से आराम से। ओके, तो गाइज देख सकते हो मैं पीछे से इसको लेकर के चलता हूँ, क्योंकि गाइज आगे से तो ये टच हो रही है, थोड़ा सा स्पीड में लेकर के चलता हूँ, क्या पता ये निकल जाए कार हमारी। और वन टू एंड, और भाई चढ़ चुकी है ऊपर। ओके, तो यहाँ से भी निकल गई, और भाई ये देख सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस ठीक नहीं है कार का, बीच में से टच हो रही है, ये देख सकते हो भाई पूरे टायर हमारे स्किड कर रहे हैं। बट यार ये देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकर के जाने की, भाई यहाँ से तो चढ़ जा रही है हमारी कार, बट यार ऊपर नहीं जा पा रही है, यहाँ हाँ अटक रही है भाई, ये देख सकते हो आपके सामने है भाई। तो एक बार और कोशिश करते हैं और देखते भाई चली जाए तो, और भाई नहीं जा पा रही नहीं जा पा रही भाई, नीचे गिर जाएगी नीचे गिर जाएगी भाई, मुझे पता है ये नीचे गिर गई भाई।
तो ये देख सकते हो गाइस, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी हमारी कार नहीं जा पाई, तो मैं इसको साइड में खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे पता है अब ये कार नहीं जा सकती। एक बार, दो बार, तीन बार मैंने कोशिश की पर ये नहीं जा पाई, और आगे से देख लो ये थोड़ा सा इतना सा मतलब इसके डैमेज आया। ठीक है, तो चलो मैं यहीं से चल चलता हूँ फटाफट, और लेके चलते हैं दूसरी कार को। और हमारी दूसरी जो कार है ना भाई, ये है हमारी हुंडई की वेन्यू। और गाइस वैसे तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, स्पीड, जंप, वाटर वाटर, ऐसे मड टेस्ट वगैरह में, बट यार इसमें देखते ग्राउंड क्लियरेंस, और भाई ये भी टच हो रही है, ये देख सकते हो गाइस आगे से आपको दिख रहा होगा, भाई ये भी टच हो रही है हमारी कार आगे से। और भाई मैं पूरा फोर्स कर रहा हूँ कार को लेकर के जाने का कोशिश कर रहा हूँ, बट यार ये देखो भाई, ये देखो टच हो रही है ना भाई। मैं आगे से आपको एक बार ढंग से एक बार और बता देता हूँ, ये देखो भाई, ओ भाई भाई साइड में आ गई, सॉरी भाई सॉरी, एक बार बीच में से वापस से स्टार्ट करते हैं, पीछे से लेकर के चलता हूँ और फिर देखता हूँ आगे से, देखो भाई कितना डैमेज। और भाई ये देख सकते हो आगे से भाई बार बार लड़े जा रही है हमारी कार नीचे से, और ये देख सकते हो भाई नहीं जा पा रही है हमारी कार। भाई मैं एक बार और फिर से कोशिश करता हूँ, और भाई नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी भाई। मैं इसको साइड में खड़ा कर देता हूँ अब, क्योंकि यार ये नहीं जा पाएगी कार हमारी। देखो मैं इसको पार्किंग में खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि गाइस ये हो चुकी है फेल। चलो इसको खड़ा कर दिया है मैंने, लाते हैं अब दूसरी कार को। ऑल राइट गाइस, तो ये है हमारी लास्ट एंड फाइनल कॉम्पैक्ट एसयूवी, और भाई ये है हमारी हुंडई की, हुंडई से आने वाली क्रेटा। और भाई DRL देख लो कितनी जोर लग रही है भाई हमारी कार, पर्पल कलर में तो गाइस कार हमारी सारी अच्छी लगती है। और भाई साहब ये क्या देखने को मिल रहा है यार, इसका भी देखो नीचे, देखो मैं आपको क्लोज बता देता हूँ, ये देख सकते हो गाइस आगे से टच हो रहा है भाई। मुझे लगता है ये तीनों सेगमेंट एक तरीके का ही मतलब ग्राउंड क्लियरेंस है इन कार्स का, जब यार ये तीनों कार एक साथ से ही फेल हो जा रही है भाई, नहीं जा पाएगी मुझे पता है भाई, जब वेन्यू नहीं गई, किया नहीं गई, तो गाइज ये भाई ये भी नहीं जा पाएगी मुझे पता है, लास्ट एंड फाइनल कोशिश। और भाई ये देख सकते हो यहाँ भी ये टच हो रही है, देख सकते हो आप, पूरा मैं फोर्स करा था मैंने, बट यार नहीं गए जा पाई। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ खड़ी कर देता हूँ और लाता हूँ दूसरी कार को, ये हो चुकी है फेल। और इसकी हालत देख लें एक बार आगे से आप, ये देखो गाइज आगे से तो बिल्कुल ठुक चुकी है ये। ठीक है, तो लाते हैं, चलो यहीं से चल चलते भाई, क्लोज ही है अपने। और भाई ये देख सकते हो अब भाई हमारा SUV सेगमेंट स्टार्ट हो गया है, और उसकी हमारी पहली कार है हमारी स्कॉर्पियो, महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11। और गाइस हमारी कार ने स्टार्ट कर दिया है ये चैलेंज। और भाई ये देख सकते हो, इसको कहते हैं भाई ग्राउंड क्लियरेंस, भाई देखा आपने, इसको कहते हैं भाई ग्राउंड क्लियरेंस। जब यार कार इस तरीके का परफॉर्म करती है ना भाई, तो भाई बहुत मन भी करता है यार कार को लेकर के चलने का। और देख सकते हो गाइज हमारी कार, एक मिनट भाई नीचे मत गिर, अरे यार भाई इतना क्लोज आके नीचे आ गई भाई। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि गाइज ये चली गई थी, बट यार आगे टर्न नहीं हो पाई, इसलिए मैं इससे वापस टेस्ट कर रहा हूँ। और देख सकते हो यहाँ से भी चढ़ गई हमारी कार भाई, यहाँ पे आके थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमारी कार को, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी से लेकर मतलब फोर्स से लेकर के चलूँ इसको, बट यार मैं फोर्स से लेकर के जाता हूँ ना भाई, ये देखो साइड में आ जाती है कार हमारी, बट यार मैं कोशिश करूँगा इससे जब तक कि भाई मुझे नहीं लगता ना ये नहीं कर पाएगी तब तक। और गाइज इस बार मुझे लगता है कि मैं कर दूंगा भाई, इसको सीधा व्यू से लेकर के चलते हैं, वैसे तो यार मुझसे नहीं हो पा रहा था, बट यार ये देख सकते हो यहाँ से थोड़ा सा फोर्सफुली लेकर के चलना पड़ेगा। और भाई निकल गई है, निकल जा निकल जा, ओके। तो गाइज ये देख सकते हो निकल गई हमारी कार, यहाँ पे टच हो रही है, बट यार यहाँ से नीचे नहीं जाना है हमारे को। और भाई यार ये क्या हो रहा है थोड़ा सा, ओके तो अब निकल गई है हमारी कार, ये देख सकते हो गाइज हमारी स्कॉर्पियो निकल गई है भाई बहुत अच्छे तरीके से। और भाई अब है मेन, अरे नीचे नहीं, नीचे नहीं भाई यार क्या हो रहा है। ओके तो अब है भाई मेन, ऊपर लेकर के चलना इसको, ऊपर लेकर के चलते हैं भाई, भाई थोड़ा आराम आराम से लेकर के चलेंगे, क्योंकि लगातार हमारी तीन कार्स जो हो चुकी है फेल, मैं नहीं चाहता भाई ये भी फेल हो जाए। और गाइस स्कॉर्पियो से तो बहुत से लोग एक्सपेक्ट करते हैं हर चैलेंज क्लियर करने का, बट यार कुछ कुछ चैलेंज नहीं हो पाते हैं इस कार से, बट यार मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला ये पूरा कर दे। और गाइस देख सकते हो इसके DRL आगे से, और अब मैं यहाँ से बचाते हुए लेकर, भाई टच हो ही गई ये देख सकते हो। अब भाई यहाँ से ऊपर लेकर के चलना है, ऊपर लेकर के चलते हैं आराम आराम से भाई, टर्न आराम से लेना है। ओके तो ये देख सकते हो गाइस आ चुकी है हमारी कार ऊपर। अब भाई मेन ट्विस्ट है हमारे ब्लेंडर से बच के निकलने का, भाई एक बार अगर ये ब्लेंडर से बच गई ना, तो फिर आगे तो भाई ये निकल जाएगी झिक झैक वाले से भी। और 1 2 3 भाई निकल जा, ओके भाई निकल गई निकल गई निकल गई। ओके तो गाइस हमारी कार ये भी निकल चुकी है। अब भाई ये देख सकते हो यहाँ से तो भाई मैं ले चलूँगा इसको भाई, यहाँ से भी थोड़ा ट्विस्टेबल तरीके से लेकर के देखो भाई टच हो रही है ना, तो भाई यहाँ पे ये देखो, ये दिमाग लगाया मैंने, ये ऐसे भाई ये थोड़ा स्किट करके थोड़ा सा लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि गाइस कार की लेंथ है ना थोड़ी सी लंबी है, मतलब
तो गाइज इसको उसी हिसाब से लेकर के चलना पड़ेगा भाई। देख सकते हो टर्न नहीं हो पा रही थी कार, मतलब जो टर्न है ना वहाँ पे टच हो रही थी, ये देख सकते हो भाई। मैंने सोचा कि भाई मैं इसको स्किड करके लेकर के चलूँगा, और गाइज देख सकते हो यहाँ से भी थोड़ा सा स्किड कर लेते हैं। अरे देखो नहीं घूम रही है ना भाई यहाँ से, और ये घूम गई ठीक है। अब भाई लास्ट एंड फाइनल यहाँ से नीचे उतारना है, वो तो गाइज नॉर्मल से भी नॉर्मल है। और गाइज ये टच ना ही होनी चाहिए भाई, निकल जा निकल जाएगी, और भाई निकल गई भाई। ऐसे तो तुम्हारा भाई हैवी ड्राइवर है। ओके तो ये देख सकते हो हमारी स्कॉर्पियो S11 हो चुकी है पास, ये हमारे तीसरे नंबर की कार जिसने कि क्लियर किया है ये चैलेंज ठीक है। अब चलते हैं और लाते हैं दूसरी कार को, ये हो चुकी है पास। ऑल राइट गाइस, तो अब बारी है हमारी महिंद्रा थार। और गाइस मेरे पास कल वाली वीडियो में एक कमेंट आया था फेक 4x4 4x2 है ये, तो भाई पहले तो आप ब्रांडिंग देख लो ठीक है। और अब मैं देखो इसकी चारों टीयर से लेकर चलता हूँ, ये देखो गाइस एक साथ घूम रहे हैं। अरे यार भाई मैं क्यों झूठ बोलूँगा भाई, कार हमारी 4x4 है, ये देख सकते हो भाई कितने आराम से इसने क्लियर कर दिया। क्योंकि गाइज ये कार है ना भाई इन्हीं सब मतलब ऑफ रोडिंग के मामले में एक नंबर कार है भाई हमारी इंडिया में। और ये देख सकते हो भाई आराम से ज़्यादा भी भाई इतनी बड़ाई नहीं की है मैंने। ओके तो ये देख सकते हो गाइज ये भाई हमारी थार है जो कि आराम से कर जाएगी भाई। मुझे पता है इसमें पावर की कहीं कमी नहीं है भाई, बिल्कुल लैग नहीं है भाई, पावर का एक नंबर कार है। ग्राउंड क्लियरेंस से लेके इंजन से लेके पावर हर चीज़ हमारी कार की बेस्ट है। और गाइज मुझे पता नहीं है ये आदमी नीचे क्यों गिरता है बार बार, दिमाग ख़राब कर रखा है इसने भाई, चिल्लाता हो रहा है भाई। मैं इसके आसपास भी नहीं भटकता फिर भी। ओके तो ये देख सकते हो यहाँ से लेकर के चलते हैं, यार ये सब चीज़ें तो भाई कोई मायने नहीं रखती। और भाई यहाँ से लेकर के चलते हैं भाई, नीचे नहीं गिराना हमारी कार को, हमें आराम आराम से लेकर के चलूँगा, क्योंकि भाई यहाँ से अगर गिर गई तो हो जाएगी हमारी कार फेल। और ये देख सकते हो भाई आपको धुआं की परछाई दिख रही होगी भाई, ये धुआं है मतलब जो अपना टायर स्किड करते हैं ना उसका जो धुआं निकलता है ना वो है भाई ये उड़ता हुआ। ओके तो अब भाई ब्लेंडर आ चुका है, यहाँ से क्लियर करना है हमारी कार को, और निकल गई हमारी कार। और अब देखते हैं भाई यहाँ से भी निकालना है मुझे पहली लास्ट एंड फाइनल, क्योंकि यहाँ से भाई टच हो जाती है कार। बट यार ये देखो लंबी लेंथ कार की लंबी है, देखो एक साथ तो नहीं घूम सकती कार, तो गाइज मुझे टायर को स्किड करके ही घुमाना पड़ता है। तो ये देख सकते हो इस तरीके से घुमाना पड़ता है भाई, ये एक नया आइडिया निकाला है मैंने यहाँ से निकालने का, क्योंकि गाइज मुझे पास करवानी है हमारी कार को। जो कार यहाँ तक पहुँच गई तो गाइज मुझे ये लगता है कि इसको आगे भी पहुँचना चाहिए। ये देखो गाइज अगर मैं बिना उसके लेता हूँ ना तो भाई देख सकते हो भाई आपके सामने कितना, देखो ये टच हो रही है भाई। अब देखो स्किड करके लूँगा ना भाई तो ये टच नहीं होगी, ये देख लो भाई। तो भाई यही बात है, अब भाई इधर से आराम से थोड़ा आगे से टर्न करके लेकर के चलूँगा। और भाई इसका टायर नीचे आ गया, बड़े यार हमारे को इनके टच नहीं होना है। ओके तो भाई कार हमारी टच नहीं हुई और निकल गई है बड़े आसानी से। चलो इसको यहाँ खड़ी करते हैं और लाते हैं दूसरी कार को। ये थी भाई हमारी महिंद्रा की थार, वो जो कि हमारे पास भाई 4x4 में है ठीक है। तो भाई इसको खड़ा करते हैं, लाते हैं दूसरी कार को, ये हो चुकी है एकदम पास। ऑल राइट गाइज, तो हमारी ओल्ड फॉर्चुनर की बारी आ चुकी है, और ये है हमारी टोयोटो की तरफ से आने वाली ओल्ड फॉर्चुनर। और गाइज देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करके बताती है भाई। इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छा होगा भाई, बट यार ये बीच में से टच हो जाएगी। बताऊँ क्यों, क्योंकि भाई आप बोलोगे ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है तो भी टच क्यों हुई भाई, ये इसकी जो लेंथ है ना भाई वो बहुत लंबी है, ये देख सको कितनी लंबी कार है, इस वजह से भाई ये बीच में से टच हो। ये MVU भी है भाई मेरे को, ये देख भाई फोर्सफुली लेके जाना पड़ा मुझे, क्योंकि भाई यार पावर की कमी नहीं है कार में, बट यार लंबी है ना इस वजह से थोड़ा लैग हो जाता है कई कई जगह इसका। तो ये देख सकते हो आगे से इसका फ्रंट, और भाई आराम से लेकर के चलना है हमें यहाँ पे भाई, कार के सस्पेंशन देख लो एक बार। ओके तो ये देख सकते हो पीछे से टच हो गए भाई, लंबी है कार इस वजह से। और देखना भाई मैं इससे बहुत दूर से लेकर जाऊँगा ना फिर भी, ये देख लो गाइस भाई ये देख सकते हो अब की बार तो दोनों ही गिर गए भाई, पता नहीं ऐसा क्यों है भाई, इनके क्या कीड़ा है भाई। और भाई सबसे बड़ी दिक्कत भाई इनकी वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं मतलब यार मैं आपको क्या बताऊँ यार, ये बताऊँ गिरते हैं ना तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे से कहीं इनके लग नहीं गई हो, बट यार फिर भी चलो कोई बात नहीं है गाइस। ये देख सकते हो गाइस हमारी कार कितनी लंबी है भाई, बहुत लंबी कार है ये, MVU भी है ना भाई इसलिए। और भाई ये देख सकते हो यहाँ से निकल गई है भाई, ये देखना यहाँ से, और भाई देख सकते हो वेट ही नहीं मतलब वो होता इससे, क्योंकि गाइस पावर तो बहुत है भाई। बट यार अब मैन है भाई मुझे यहाँ से इसको निकालना, क्योंकि गाइज ये लंबी कार है, मुझे नहीं लगता यार ये निकलेगी। और भाई निकल जा, मुझे पता था गाइज ये नहीं निकल पाएगी, क्योंकि गाइज कार है ना भाई बहुत लंबी, और अगर निकलना हो ना इसको तो भाई बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, वो कि यहाँ पे ऐसा कोई ट्रैक नहीं है जिससे कि मैं इसकी स्पीड बना सकूँ। तो गाइज
इस वजह से ये हो गई है फेल। चलो कोई ना गाइस, ये हमारी सेकंड कार है जिसके की ब्लेंडर का झटका लगा है और गाइस जो हो गई है बिल्कुल फेल। ठीक है, तो गाइस मैं इसको यहाँ खड़े कर देता हूँ, लाता हूँ दूसरी कार को। और भाई इसमें डैमेज पीछे आया, इसका जो पीछे का बम्पर है ना भाई, उसमें आया डैमेज। चलो ठीक है, चलते हैं लाते हैं दूसरी कार को, ये तो हो चुकी है फेल। ऑल राइट गाइस, तो अब बारी है हमारी, ये है भाई फोर्ड की एंडेवर और गाइस ये हो जाएगी फेल। बताऊँ क्यों, वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले आप देखना इसको। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ से ये चढ़ गई, ठीक है, और यहाँ से भी चढ़ गई। अब गाइज इसका फेलियर स्टार्ट, ये देख सकते हो गाइज, मैं 4x4 लगा लूँ, 4x2 लगा लूँ, कुछ भी लगा लूँ गाइज, गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी। अब मैं इसको फोर्सफुली आपको एक बार लेकर के जाता हूँ, ठीक है, पहले तो आराम से लेकर के जाता हूँ। ये देख सकते हो आराम से पार हो गई, ठीक है, पार का मतलब है भाई आर पार ही हो गई कार हमारी। अब मैं इसको थोड़ा सा आराम से लेकर के जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ये देखना। और भाई मैंने पहले शुरू में इसलिए ये बोला था ये फेल होगी, क्योंकि गाइस इसके जो टायर है ना भाई, वो इस गाड़ी का ही ग्लीच है। टायर चाहे कितने ही चेंज कर दूं मैं, बट यार ये कार का ग्लीच है कि यार इसमें स्किट होंगे तो होंगे ही भाई टायर। ये देख सकते हो गाइस, यहाँ तक भी पहुँच गई, सब कुछ बढ़िया है कार का, बट यार ये नहीं जा पाएगी, मुझे पता है। एक बार और कर लेता हूँ भाई ट्राई, बट मुझे पता है यार ये नहीं जा पाए, ज़्यादा फोर्सफुली अगर लेके जाऊँगा ना भाई तो भाई नीचे गिर जाए। ओके, तो ये देख सकते हो गाइज आपके सामने भाई गिर चुकी है हमारी कार नीचे। अब गाइज मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और इसको खड़ी कर देता हूँ साइड में। भाई यार माइकल, ये भाई मेरी बात नहीं मानता है माइकल बिल्कुल, एक बार और कर लेते भाई माइकल की मर्जी के लिए। और भाई ये देख सकते हो यहाँ से चढ़ गई और भाई फिर गिर गई, ये देख लो अब गिर गई ना गाइज, अब तो माइकल खड़ी करेगा, भाई मानता नहीं है मेरी बात यार, मैं भी कुछ हूँ यार। ठीक है, तो ये देख सकते हो कार हमारी हो चुकी है फेल। ये थी हमारी फोर्ड की एंडेवर भाई, टायर स्किटिंग की वजह से इसका फेल होना वाजिब था। ठीक है, तो गाइज फटाफट यहीं से चलते हैं और लाते हैं हमारी लास्ट एंड फाइनल कार को। और गाइज इसका तो भाई मतलब यार अच्छी है कार, पावर भी है, और भाई सबसे बड़ी बात हमारी ये है टोयोटो फॉर्च्यूनर लेजेंडर, ये देखो भाई आगे से DRL कार के। और भाई यहाँ से तो आराम से चढ़ जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि गाइज ये देख सकते हो यहाँ से चढ़ जाएगी। थोड़ा सा पीछे से फोर्स करता हूँ भाई, ये कई कई बार अटक जाता है इसका जो आगे का बम्पर है। और ये देख सकते हो गाइज चढ़ गई ना, इसके टायर इतने स्किट नहीं करते भाई, कार में पावर भी बहुत है। और ये देख सकते हो गाइज हमारी कार चढ़ चुकी है ऊपर, अब यहाँ से आराम से लेकर के चलेंगे। ये देख सकते हो भाई कितनी जोर लगती है भाई, और भाई ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है कार्स पे। और ये देख सकते हो अब ये फिर कूद जाएंगे, और भाई 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 अब की बार भाई माइकल को गुस्सा आ गया, बट यार कोई ना, हमारी कार को लेकर के चलते हैं। और भाई ये अब लास्ट एंड फाइनल कार है हमारी, जो कि मुझे लगता है क्लियर कर जाएगी। बस यार ये भी थोड़ा सा इसका भी जो लेंथ है ना भाई, जो ओल्ड फॉर्च्यूनर है उसकी तरह ये भी लंबी है, क्योंकि गाइस ये कार MUV है इसलिए। और भाई मुझे लगता है कि ब्लेंडर के यहाँ पे इसको निकालना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, बट यार मैं कोशिश करूँगा कि ये कार निकल जाए। और गाइज ये देख सकते हो आ चुकी है हमारी कार ब्लेंडर के आसपास, अब लेकर के चलते हैं और देखते हैं गाइज ये क्या ब्लेंडर के पास से निकल पाती है या नहीं निकल पाती है, वो तो गाइज बाद में ही पता चलेगा अपन लोग को। तो 1, 2 और 3 निकल जाओ भाई। अरे यार भाई देखो, मैंने 1, 2, 3 काउंटिंग करके किया था, फिर भी नहीं निकल पाई भाई। मुझे पता था यार ये लंबी कार है, नहीं निकल पाएगी भाई, जगह भी नहीं है जिससे कि मैं स्पीड बना के लेकर के जा सकूँ, बट यार चलो कोई बात नहीं है। तो गाइज हमारी ये कार से जो कि हो चुकी है फेल, और उधर खड़ी होने वाली कार वो हो चुकी है पास। तो भाई लोग आज की वीडियो यही थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।